यहाँ पे हर दो तीन दिन में कोई ना कोई ग्लेशियर तो टूट ही जाता है। ये देख लो भाई, 20-20, 30-30 फुट की यहाँ पे कितनी ऊंची ऊंची दीवारें बन रखी है। और यहाँ पे रुकने का मना करते हैं क्योंकि ये सबसे रिस्की रास्ता है यहाँ का। हम भी अपना टेंट में जाएंगे और देख सकते हैं पीछे का व्यू किस तरह से बर्फ आ रही है उड़ती उड़ती। ये स्नोफॉल आप देख सकते हैं, मौसम काफी बिगड़ रखा है तो ठीक से तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पे हर तरफ NDRF की टीम लगी हुई है अपना सेफली मदद करने के लिए सबकी। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा, अचानक ही यहाँ पे बादल आ चुके हैं और सूरज ढक चुका है। ये दोस्तों कितना प्यारा व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक साइड बादल एक साइड पहाड़। अभी गेट पे चलो। ओहो, ये जब 2013 में परले आई थी तो वहाँ से जी आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए हम सब एक साथ अभी चढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों मैं मनजीत बिंद्रा आशा करता हूँ आप सब अपनी जगह ठीक ठाक होंगे। यहाँ चढ़ाई शुरू कर दी है, जैसा कि आपको बताया था केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। अनिल भाई भी हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय केदार। अभी चलते जाएंगे भाई, पूरी जर्नी दिखाते रहेंगे आपको। और ये जो केदारनाथ धाम है ये चार धाम में आता है दोस्तों, और चार धाम में आता है, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है गुरु जी। चार धाम उत्तराखंड के जो चार धाम है उसमें आता है ये, उत्तराखंड के चार धाम में आता है। हाँ, ये 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक है ये, तो बहुत ही फेमस प्लेस है। तो यहाँ पे सभी आते हैं, तो मेरी तो फर्स्ट जर्नी है ये, देखते हैं अभी। मगर यहाँ का ये देखो भाई व्यू, कितने प्यारे नज़ारे हैं आपको, वो यहाँ की आपको केदार घाटी में ही आके मिल सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, वो बैठे मेरे महादेव, वो बैठे वो उधर। तो दोस्तों वहाँ तक हमने जाना है, और एक बात बता देते हैं, ये चढ़ाई आपको 15-16 किलोमीटर पड़ेगी, जो बोर्ड पे लिखा है, पर एक्चुअली ये है 20 किलोमीटर की, एक्चुअली उससे ज़्यादा भी पड़ जाती है। और यहाँ पे अगर आप ये खच्चर घोड़े करना चाहते हैं, ये जो चल रहे हैं, तो ये देखिए इसका प्राइस है 2950। पर मैं तो ये कहूँगा, तो ये देखिए भाई यहाँ पे इसी तरह धर्म धक्के भी मिलेंगे थोड़े से। एक ही रास्ते पे खच्चर घोड़े चल रहे हैं, उसी रास्ते पे हमें भी चलना है, तो बस इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है चलने। और भाई यात्रा आप खुद कर रहे हो ना कि घोड़े और खच्चर, तो खुद आओ खुद पैदल चलो ताकि भोले बाबा के दरबार पे पहुंचो, तो एक अलग एनर्जी फील हो, भोले बाबा की जय। तो ये भी अच्छा रहेगा भाई आपके लिए। और अभी पहला पॉइंट यहाँ से आएगा कौन सा भैया? जंगल चट्टी पॉइंट आएगा सबसे पहले। काय महादेव, हर हर महादेव, जय जय केदार, जय जय शिव शंभु, मम्मम बोले मम्मम बोले, वो बैठे मेरे केदार। वहाँ चलेंगे भाई, अभी काफी लंबी जर्नी है, सारी जर्नी आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए एक चीज दिखा देता हूँ, ये जैसे खच्चर घोड़े चढ़ते हैं तो इनके भी पांव यहाँ पे फिसलते हैं, अगर कोई भी ऊपर बैठे तो अपना ध्यान से बैठे भाई, नहीं तो काफी चोट लगने का खतरा है यहाँ पे। और ये देखिए चट्टानों पे किस तरह से हल्का हल्का सा पानी भी है, और ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता है यहाँ पे। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं ना आसान रास्ता, उस तरह से नहीं है ये, काफी मुश्किल है, मगर महादेव का नाम लेके चढ़ते रहो। ये देखिए यहाँ पे आप पालकी भी कर सकते हैं इस तरह से, तो पालकी का जय केदार बाबा, पालकी का क्या प्राइस है भाई? पालकी है जी जी, कितना प्राइस है पालकी का? पालकी का वैसा 8,000 वैसा। तो भाई मतलब 8,000 में आपको ये पालकी मिल जाएगी, और देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, यहाँ पे कितनी मुश्किल से चढ़ रहे हैं। ये मेरे पीछे यहाँ पे खीरे फ्रूट्स आप कुछ भी खा सकते हैं, और खीरे का प्राइस है 20 रुपीज़ में आपको प्लेट मिल जाती है। तो इसी तरह से आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, अगर ये खाते पीते चलेंगे शरीर आपका एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो जर्नी भी आप आराम से कर पाएंगे। ये देखो भाई पहले आके बैठ गए थे, ये बैठे यहाँ पे आ रहे हैं, ये बंदे की हवा 2 किलोमीटर निकल चुकी है, बस ठीक है चल लाओ भी। ये देखो अपने भाई के लिए खीरे लाए, खीरे लेकर आए, और ये आधे घंटे बाद है, 1 किलोमीटर पीछे पीछे आ रहा हूँ आपके भाई, एक आधा ऐसे करके चल रहा था भाई, मैं देख लो है हद कर रखी है, कोई भलाई का जमाना नहीं, फूडी राहुल को फूड खिला दिया उसमें भी ऐसे कर रही है।
अनिल भाई करके लेके आए यार, आप भी खाओ यार ऐसे थोड़ी रास्ते में, ऐसा नहीं यार इतनी मेहनत करके लेके आए पार्टी। थैंक्स नहीं बोल रहा, नहीं थैंक्स तो बोलना चाहिए, सही बात है, बोलना चाहिए ना। ये देखिए भाई, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों जरूर आप। और ये देखिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए रुद्र फॉल पे। ये देखिए कितना प्यारा नजारा है यहाँ से भी, मतलब। और यहाँ पे ना मोबाइल में नेटवर्क रहते नहीं है जल्दी जी, तो भाई फोन किससे करें? अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो उसमें तो नेटवर्क रह रहे हैं, क्योंकि मैं वो यूज कर रहा था तो उसमें नेटवर्क आ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर वो यूज कर रहे हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पूरे ऊपर तक नेटवर्क आएंगे आपके। देख लो भाई, रास्ता तो बिल्कुल ऐसा है, खराब है बिल्कुल ही, अपने जूतों की हालत भी खस्ता होली, और चलते चलते ये घोड़ों की खसरों की टकरे खूब लगती हैं। अपना ध्यान से चलते रहो भाई, और क्या, कड़कती धूप भी निकल गई है यहाँ पे बिल्कुल। अब लगभग 2 घंटे हो गए हमें कंटिन्यू चलते चलते यहाँ पे, घंटे में 4 किलोमीटर आए, 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही आ पाए है ना। हाँ भाई, मगर ठीक है, रास्ता ऐसा है तो 4 किलोमीटर क्या 5 भी हो जाता। 4 क्या 5 भी हो जाता। खाई बहुत गहरी है, मैं राहुल भाई को बोला भी था नाप के आ जाओ तो बढ़िया है, पर इसने कहा कि मोहन ये नाप ही नहीं रहे, बताओ क्या करें यार। कितना ले रहे हो प्राइस पिट्ठू का? पिट्ठू का 4,000 है, ऐसा है। अच्छा अच्छा, इनकी मेहनत आप देख सकते हैं, हमसे तो ये छोटे छोटे भी नहीं उठ रहे बैग, ये इतना बैग लगेज पता नहीं कैसे उठा लेते हैं, और तो इनकी मेहनत हौसले को सलाम है। बढ़िया भाई, ये देखिए पूरा भरा हुआ है सामान से बिल्कुल ही, और ये ऊपर केदारनाथ तक जाएंगे। जय भोले, ये चल दिया दोबारा। ये देखिए भाई कितना भारी लगेज, और ये आगे अपने भाई भी, हर हर महादेव, जय केदार हैं। ओ बेटे मेरे भोले बाबा। ये श्री केदारनाथ 10 किलोमीटर रह गया, स्मॉल लिमचोली 3.5, बेस कैंप 9, भीमबली 0.5, और वो ऊपर आपको दिख रहा हूँ हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। ये देखिए भाई, ये पहुंच गए हैं रामबाड़ा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 खच्चर से ज़्यादा नहीं, और ये अभी गेट पे चलो, ओहो खच्चर पे चलना भी इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इस पे 6 खच्चर से ज़्यादा नहीं जा सकते ऐसा है। और ये देखिए कितना तगड़ा भाव है, और ऐसा बताया जाता है कि जब 2013 में प्रलय आई थी तो वहाँ से, ये देखिए आपको टूटने के निशान भी दिख रहे होंगे, और ये पुल भी ढह गया था उस टाइम 2013 में आया था प्रलय, तो धारी देवी के मंदिर से कुछ छेड़छाड़ की थी उस समय, ये प्रलय आई थी दोस्तों। और ये रामबाड़ा यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम, यहाँ पे होटल ये सारी चीज़ें भी होया करती थी, मगर अब वो चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेंगी, सारी वो चीज़ें टूट चुकी हैं। और भीमबली का बेस कैंप हमने पार कर दिया, और यहाँ से 10 किलोमीटर आगे हमने और जाना है, फिर केदारनाथ आएगा, अभी चल ही रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये ऑल इंडिया ट्रैवल विदाउट मनी भाई हैं, हाँ जी, तो ये इस तरह के भाई यूट्यूबर भी आपको यहाँ केदारनाथ में स्पेशल पहुँचे हुए मिलेंगे, हाँ, और ये अपना कैंप टेंट सारी चीज़ें लेके चलते हैं साथ में, क्यों भाई है ना, जी हाँ, ताकि होटल के पैसे बचा पाए। अरे वाह, वो बचेगा तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे हम, जी जरूर। तो ये भी है भाई, और ये भाई का चैनल है, अगर भाई को फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आईडी, सारी आईडी भाई की इसी पे लिखी हुई है, और भाई भी अपना सारा सेटअप ये खुद ही अपना सपोर्ट लेके चल रहा है, और रात को वहीं रुकोगे आप भी? मैं 2 दिन रामबाड़ा चलूंगा आपको। अच्छा अच्छा, रामबाड़ा में केदारनाथ मंदिर के पीछे, केदारनाथ में, हाँ केदारनाथ के पीछे टेंट लगे हुए हैं, अगर कोई अपना वहाँ पे टेंट लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है, मगर खुद का
होना चाहिए टेंट जी, खुद का होना चाहिए, नहीं हाँ, तो नहीं 500-600 देख के परचेज करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो 500-600 में परचेज हो जाएगा। परचेज यानी कि वो लेते हैं, देते हैं ना वहाँ पर। हाँ मिल जाता है बिल्कुल भाई, वो देते हैं वहाँ पर। भाई से मिल के अच्छा लगा जी, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए हम सब एक साथ अभी चढ़ाई करेंगे। जैसे कि रामबाड़ा, ये पहले यहाँ से रास्ता हुआ करता था, उस तरफ से जाया करते थे ऊपर केदारनाथ की तरफ, मगर जब आपदा आई तो वो सारा रास्ता ढह गया था, तो फिर ये नया रास्ता यहाँ से बना दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए अचानक ही मौसम बदल गया, बारिश आने जैसा हो रहा है, और ये राहुल भाई अपना शॉर्टकट यूज करके आ चुका है, और ये देखिए ये भी पहुंच गए हैं, राहुल भाई भी आ जाओ भैया आ जाओ, और ये देखिए भाई ये किस तरह से यहाँ पे ट्रांसफार्मर को ऊपर ले जा रहा है, बहुत ही हिम्मत लगती है ये ले जाने में, जिगरा चाहिए इस चीज़ के लिए। ये देखिए भाई, तो इस तरह से ये मेन रूट है, और यहाँ से आप शॉर्टकट यूज़ करके ऊपर चढ़ सकते हैं अगर एनर्जी है तो। देख लो भाई यहाँ बिगड़ गया, मौसम अचानक ही है, राहुल भाई ने भी पूरा कोट कूट पहन लिया। जगह जगह पे देख पा रहे हो, ये अभी अभी स्नोफॉल हुआ है, ये जो है ना पहाड़ पे ऊपर, ये अभी अभी स्नोफॉल हुआ है, और ये देखिए पीछे यात्री जो है कितना ज्यादा परेशान होते हैं। रास्ता काफी मुश्किल है दोस्तों, और यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो अपना सारी चीजें लेके आए, रेनकोट भी, छतरी भी, सारी चीजें, सारा सामान हम भी लेके आए थे, इसीलिए थोड़ा बच ही गए, चल ही रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों हर चीज बहुत महंगी है, एक सिंपल सा रेनकोट जो 100 रुपए का दिल्ली में मिलता है, यहाँ पे वो 400-500 रुपए का है, और बिजली की बॉटल यहाँ पे है 100 रुपए की। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस बढ़ रहे हैं। अभी भी ये मान लो 5-6 किलोमीटर बचे ही हुए हैं, चढ़ाई काफी मुश्किल है, और ये देखिए चलते चलते बिल्कुल साइड में से ये निकलते हैं खच्चर घोड़े, बहुत ही ध्यान से चलना होता है। ये पड़ी ताजी, ये देखिए बिल्कुल ताजी बर्फ है, आपको दिख भी रही हो यहाँ पे, अभी अभी बहुत तेज बारिश हुई थी यहाँ, और स्नोफॉल भी हुआ थोड़ा बहुत, स्नोफॉल भी हुआ, और सभी ने ये देखिए रेनकोट निकाल लिए अपने, और सारे पहन रखे हैं सबने। ये देखिए यहाँ आओ ना तो ट्रैकिंग शूज जरूर पहन के आए, इन्हीं से थोड़ा ये है पाँव फिसलता नहीं और बच जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे बर्फ गिरी हुई है, ये इस तरह से बर्फ का मिंट में पानी बन जाता है, और ये देखिए यही जाके नीचे नदियों में मिल जाता है। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, ग्लेशियर टूट के आ जाते हैं, रास्ता यहाँ पे बंद हो जाता है। ये देखिए अभी भी काफ़ी भीड़ है, और वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा कितने बादल आ रखे हैं, बारिश हुई है अभी 2 मिनट पहले ही बहुत तेज, और ये देखिए अभी चढ़े जा रहे हैं, खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए इतने भीड़ लगी हुई है कि जाम सा ही हो गया है यहाँ पे बिल्कुल। ये देखें ब्रेक ही लगे हुए हैं बिल्कुल, मगर देखते हैं ये चले धीरे धीरे, इसी तरह अपना चढ़ना पड़ेगा, काफ़ी कठिन चढ़ाई है, टफेस्ट चढ़ाई में ये आती है, ऐसे ही नहीं केदार बाबा के दर्शन होते हैं, परीक्षा ली जाती है उनके द्वारा जब पहुँचा जाता है वहाँ ऊपर। ये मौसम अचानक ही यहाँ पे कितना बिगड़ गया है, ये भीड़ भी इतनी हो रही थी, और अभी तक नीचे तक बिल्कुल साफ दिख रहा था, और ये देखिए आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा, अचानक ही यहाँ पे बादल आ चुके हैं और सूरज ढक चुका है। ये देखिए भाई मौसम ऐसे बिगड़ता हुआ बिल्कुल 1 मिनट में देख लो आप। ये दोस्तों कितना प्यारा व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक साइड बादल, एक साइड पहाड़, और एक साइड पूरी केदार घाटी नीचे तक आपको दिख रही होगी। यहाँ पे 1 मिनट में ऐसा मौसम बदल जाता है, वो वहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहा है, 2850 रुपये ये लेते हैं वन साइड के, और 5000 के आसपास डबल साइडेड हो जाता है यहाँ पे। वाह भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए भाई पहाड़ तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल, किस तरह से ये ऊपर चढ़ रहे हैं बादल यहाँ। वाह भाई जैसे कि न्यूज़ में वो दिखाया गया था ना ग्लेशियर टूटा था जो, तो ये है वो, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ टूट के ये रास्ता बंद हो गया था बिल्कुल ही, यहाँ पे रास्ता बंद हो गया था तो वो खोल दिया है, और अभी ठीक चल रही है यहाँ पे यात्रा। ये देखिए यहाँ तक आ गई थी बर्फ, फिर धीरे धीरे मेल्ट होने के बाद, पिघलने के बाद ये नीचे तक चली गई, और हर जगह यहाँ पे टेंट भी लगा रखे हैं। ये देखिए कितना
कैसा मौसम हो रखा है यहाँ पे, ये देखे भाई। वो गया दोस्तों हेलीकॉप्टर, और वहाँ पे ऊपर उतरेंगे, और यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 2-2.5 घंटे रह गया। और ये देखिए एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सामने अगर मेरी उंगली के पास में आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल शिवलिंग की तरह वहाँ पे बर्फ़ गिर रखी है और निशान बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है जो कि। और मौसम तो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये देखो भाई इस तरह से ऊपर से ग्लेशियर आ जाते हैं अचानक ही, और पूरा रास्ता ये बंद हो जाता ही है। कैसे दीवार बनी हुई है बर्फ़ की, देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी बिगड़ चुका है, मगर जल्दी से दर्शन करके सभी अपना जा भी रहे हैं। बिल्कुल बर्फ की दीवार बनी हुई है यहाँ पे, हर 2-3 दिन में कोई ना कोई ग्लेशियर तो टूट ही जाता है। देखिए कितनी भीड़ भी हो रखी है, और ऊपर देखो कितनी ऊपर से आया हुआ है। ये देखो भाई कैसे ग्लेशियर टूट के बर्फ ही बर्फ हो रखी है हर जगह, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और ये ब्लैक आइस बन चुकी है नीचे, पांव फिसल रहे हैं यहाँ सबके पूरी तरह, बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। अपना आराम से चल रहे हैं सभी, यहाँ पे हर तरफ NDRF की टीम लगी हुई है अपना सेफली मदद करने के लिए सबकी। ये लो भाई थोड़ा सा ही बचा है बस, बिल्कुल अभी चलते हैं। पूरी मदद की जा रही है यहाँ पे इसी तरह से। सिंगल ओ भैया सिंगल उधर नीचे सीखा दो, 10 सेकंड से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा तुम्हारा। चलते रहो। और ये पहुंच ही गई, ये पार कर दिया यहाँ पे ब्लैक आइस वाला एरिया। और अभी यहाँ से भी 2 किलोमीटर आगे है, तो आगे टेंट भी लेना है और फिर दर्शन भी करने। ये देखिए वहाँ यहाँ का वेदर कंडीशन, ये देख लो भाई 20-20, 30-30 फुट की यहाँ पे कितनी ऊंची ऊंची दीवारें बन रखी है। और यहाँ पे रुकने का मना करते हैं क्योंकि ये सबसे रिस्की रास्ता है यहाँ का, तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। और ये देख लो भाई यहीं पे ग्लेशियर टूट जाते हैं, पता भी नहीं लगता कैसे मौसम बिगड़ जाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए कैसे फैली हुई है बर्फ बिल्कुल नीचे, और किसी को भी रास्ते में रुकने नहीं दिया रहा जा रहा, सबको स्पीड से आगे भेजा जा रहा है। यहाँ पे मौसम बिल्कुल ही बिगड़ गया, ऊपर से बर्फ बर्फ भी गिर रही है और बारिश बारिश हो गई है, नहीं तो दर्शन तो करवाने थे आपको मगर अभी शायद ना करवा पाऊँ मैं। तो अपना अभी चलते हैं आगे की तरफ, अपना सबसे पहले कैंप ढूंढेंगे उसमें अपना रेस्ट करेंगे, क्योंकि हालत यहाँ पे काफ़ी बिगड़ गई है सबकी और मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा है। ये देख सकते हैं आप वीडियो में भी कितनी बारिश हो रही है बहुत तेज, घर बैठे बैठे स्नोफॉल आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैमरे में, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा किस तरह से रुई की तरह ये उड़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सभी अपना, और ये सामने आप देख सकते हैं टेंट ही टेंट है। और यहाँ पे अगर आप आए ना तो अपना रेनकोट पहन के और छाता लेके आए, नहीं तो यहाँ पे अचानक मौसम बदल जाता है और उसमें फंस जाओगे आप बुरी तरह। ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ों के ढेर इसी तरह दिख जाएंगे आपको बिल्कुल ही। ये देखें भाई तो यहाँ पे दोस्तों ये टेंट ले लिया है हमने, और ये देखिए लाइव स्नोफॉल उड़ती हुई दिख रही होगी आपको, और मेरे कपड़ों पे देखिए ये स्नोफॉल आप देख सकते हैं। मौसम काफ़ी बिगड़ रखा है तो ठीक से तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और ये केदार घाटी देखिए कैसे बर्फ़ से ढकी हुई है, हर तरफ ये बिल्कुल टेंट ही टेंट है। आप अगर यहाँ पे टेंट लोगे तो दोस्तों हमें तो ये यहाँ पे 1200 रुपये में 3 बंदों का मिल गया है, तो यहाँ पर आप भी ले सकते हैं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए।
भाजी ये कौन सी लोकेशन है? ये यहाँ पे रुद्रा पॉइंट है सर। रुद्रा पॉइंट है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक रावत है। रुद्रा पॉइंट पे अशोक रावत जी हैं 1200 रुपए में। हमें तो तीन बंदों को यहाँ पे टेंट मिला है जो कि काफी किफायती है। अगर आप भी आना चाहें तो वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, और मिल गए तो आपके लिए भी काफी बेस्ट रहेगा। रजाई करते हैं तो अभी हम भी अपना टेंट में जाएंगे और देख सकते हैं पीछे का व्यू किस तरह से बर्फ आ रही है उड़ती उड़ती।